मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। अलायंस के तहत कांग्रेस ने प्रदेश की 29 में से एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। इसके साथ ही यहां से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की राह आसान हो गई है। कलेक्टर ने इसकी दो वजह बताई है। नामांकन फार्म पर प्रत्याशी के दो जगह हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें से एक जगह सपा उम्मीदवार मीरा यादव ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दे दी थी। अब मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने कहा है कि हम इस फैसले को हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के पास भी जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों, ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा, जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले की तुलना पिछले दिनों हुए चंडीगढ़ निगम चुनाव से कर दी है। इस पूरे मामले के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे एक तरह से इंडिया गठबंधन ने वीडी शर्मा को वॉकओवर ही दे दिया है। नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा का उम्मीदवार न होने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां मिलकर किसी एक उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन दे सकती हैं, लेकिन उसे कांग्रेस या सपा का चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकेगा। खजुराहो लोकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर और पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि नामांकन फॉर्म को दो आधार पर निरस्त किया गया है। मीरा यादव ने अपने नामांकन फॉर्म के साथ सत्यापित मतदाता सूची संलग्न नहीं की थी और फॉर्म में दो जगह हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए हैं। मीरा के पति दीप नारायण यादव का आरोप है कि गुरुवार को तो अधिकारियों ने वेरीफाई किया था। नियमावली में साफ नियम है कि कुछ कमी है तो निर्वाचन अधिकारी उसमें सुधार के लिए कहता है। गुरुवार को अधिकारियों ने नामांकन को ओके किया था, अब उसमें दो कमियां बताई जा रही हैं। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है, लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। आपको बता दें कि मीरा यादव निमाड़ी विधायक रह चुकी हैं, उनके पति दीप नारायण सिंह यादव भी यूपी के झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक हैं। यादव परिवार का राजनीतिक रसूख न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड सहित कई इलाकों में बना हुआ है। यादव समाज का बड़ा चेहरा होने की वजह से दीप नारायण यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया था यहां से, इसके 2 दिन बाद ही मनोज यादव का टिकट काटकर मीरा यादव को टिकट दिया गया था। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल को ही मीरा ने नामांकन दाखिल किया था और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है।